सर्दियों में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए एक स्पेशल फर्टिलाइज़र जो उनको हैवी फ्लावरिंग करने में मदद करे। तो आज मैं आपको ऐसे ही इस फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये होममेड कंपोस्ट है, ये मैंने घर पर तैयार किया है और काफ़ी अच्छे से ये तैयार हुआ है। और इसके साथ ही हम कुछ लेंगे ड्राई बनाना के छिलके, इन्हें मैंने सुखा कर पहले ही रख लिया था। और इन दोनों को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में ही पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ ही हम लेंगे सीवीड सॉल्यूशन। तो ये तीनों को मिलाकर जो फर्टिलाइज़र बनेगा वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर जो फर्टिलाइज़र बनेगा उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और ये देखिए, ये मैंने एक कंटेनर लिया है और इसमें मैं जो ड्राई बनाने के छिलके हैं उनको मैं डाल दूंगी, और ये होममेड कंपोस्ट भी मैं इसमें डाल दूंगी। कंपोस्ट कभी भी आप यूज़ करें, अगर होममेड है तो उसे आप धूप में अच्छे से एक दिन सुखा लें और उसे बारीक कर कर ही यूज़ करें। तो आपको एक पॉट के हिसाब से लेना है, जितने पॉट हैं आपके पास, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पॉट में आपको उतना ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये एक पॉट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और इस तरह से इसे पानी डालकर अच्छे से पहले फर्मेंट करना है, 3 से 4 दिन का समय लगेगा। और उसके बाद लास्ट में हम सीवीड सॉल्यूशन मिलाएंगे। सीवीड सॉल्यूशन अभी इसके साथ मिलाकर फर्मेंट नहीं करना है। ये पानी से इसे मैं भरकर और ढककर रख दूंगी। इस तरह से जो फर्टिलाइजर बनेगा वो आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि विंटर में जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होनी चाहिए, जबकि पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो बनाना पील है और जो होममेड कंपोस्ट है, होममेड कंपोस्ट अगर आपके पास ना भी हो तो भी आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 1 से 2 दिन के लिए भी इसे चाहें तो फर्मेंट कर लें। और सीवीड सॉल्यूशन इसमें मैं 10 ml मिलाऊँगी। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। एक गमले में आपको बहुत ज़रा सा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ये देखिए, एक गमले में बस इतना ही आपको लेना है और बस मिट्टी पर आपको छिड़कना है। तो इसका इस्तेमाल आप महीने में सिर्फ एक बार करें, बहुत ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपके प्लांट डैमेज हो सकते हैं। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसका आप 15-15 दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, 4 दिन बाद फर्मेंट होने के बाद ये कैसा दिख रहा है, और देखिए इसमें काफ़ी सारे बबल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है और अब इसमें मैं सीवीड सॉल्यूशन मिला दूंगी। तो ये 10 ml मैंने सीवीड सॉल्यूशन लिया है और इसे मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। और जितना आपने सॉल्यूशन बनाया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, उससे आप 5 गुना पानी और मिक्स करेंगे, क्यों डायरेक्ट आप इस तरह से फर्टिलाइज़र को यूज़ ना करें, नहीं तो आपके प्लांट्स को ये हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसे एकदम डाइल्यूट करके और पतला करके ही आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए, एक बकेट में मैंने ये सारा लिक्विड निकाल लिया और ये देखिए इसका कलर देखिए कितना डार्क हो चुका है। ये जब मैंने इसे बॉटल में डाला था तब इसका कलर कैसा था और अब इसका कलर देखिए कैसा हो गया है। और ये बचे हुए जो केले के छिलके हैं या कंपोस्ट है उसे भी आप गमले में चाहे तो बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें मैं 5 गुना पानी मिला दूंगी।
अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद अब मेरा फर्टिलाइज़र रेडी है प्लांट्स के लिए। और ये देखिए, ये मैंने एक ग्लास फर्टिलाइज़र लिया है, इसे मैं दो पॉट में यूज़ करूँगी। और आपको भी इतना ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। ये देखिए, और अब इसे मैं सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर आ रहे हैं और या फिर जिनमें नहीं आ रहे हैं, सब में इनमें इसे मैं डाल दूंगी। और कभी भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो उसे ध्यान रखें कि धूप में ना दें, और आपका गमला गमले की मिट्टी पूरी सूखी हो तभी इसका इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी अगर आप गुड़ाई कर लें पहले, तो ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। तो ये देखिए, ये गुलाब के पौधे हैं, इनमें भी मैं इसे डाल दूंगी। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप हर 15 दिन पर करिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके प्लांट्स की जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, और काफ़ी सारी कलियाँ भी बननी शुरू हो जाएंगी। और लकड़ी की राख आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। लकड़ियों को सिंपली जलाकर और उसके राख को स्टोर कर लीजिए। और ये देखिए, गमलों में इस तरह से आपको डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल करना है। अब जैसे देखिए, बस इतना ही आपको गमले में डालना है। मिट्टी पर आप इसे ऊपर गुड़ाई करके और छिड़क दें, और इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक ही बार करना है। और ये देखिए, सारे पौधों पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधों में जितने भी फास्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये देखिए, गुलदाउदी के पौधे में भी मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक कीप ग्रोइंग प्लांट्स, टेक केयर, गुड बाय।